सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं तुम्हारा देसी पत्रकार धर्मोहर भाई देसी देख बिना ब्रेक बात करांगे। किसान आंदोलन की बहुत लंबा चल पड़ा और घने किसान शहीद हो लिए इस आंदोलन में। और सरकार की अगर मैं बात करूं, केंद्र सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही, क्योंकि इस आंदोलन का ना केवल किसानों के ऊपर असर पड़ रहा है बल्कि व्यापारी भी परेशान है, काम धंधे चौपट हो गए हैं। 3 मिनट का रास्ता 3 घंटा में तय हुआ है, किसी ने दिल्ली जाना हो तो सारा जो व्यापारिक जो काम है वो सारे ठप हो गए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। आज तक साल भर पहले सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया था जिसमें न्यू कहा था किसान के लिए कोई सी जेल नहीं बनी जिसमें किसान को बंधक बनाया जा सके, उस बात में दम था और कितने कितने वाह बात निकल आई, लेकिन बात यह है कि नुकसान किसका उन लग रहा है। ठीक और काम चल रहा है, दो पाटन के बीच में साबुत रहा न कोई, इनके सरकार और किसान की इस लड़ाई में जो व्यापारी वर्ग है या आम आदमी है वो भी पिछड़ लग रहा है, तो सरकार की यह बहुत बड़ी नाकामी है। और सुनो उस टाइम पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने के बात कही थी, ध्यान से देखो पूरी वीडियो ने और जी लाके शेयर कर दो। ठोको शेयर, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मो, जय जवान जय किसान जय हरियाणा जय भारत। आज देश का किसान एक शांति प्रिय आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र के दायरे में देश की राजधानी की सीमा पर पहुंचा है। देश की सरकार के दरवाजे पे दस्तखत दिए, एक बहरी सरकार के कान में अपनी आवाज डालने की चेष्टा करी है। एक मांग को लेकर, किसान की मांग, जो 3 कानून आप लेके आए हैं, पीछे निजी खरीद के रास्ते को प्रशस्त आपने किया है, उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की बाध्यता का कानूनन प्रावधान हो और उसके नीचे की खरीद की सजा हो, और नहीं तो तीनों काले कानूनों को निरस्त किया जाए। इस मांग को लेकर, जायज मांग को लेकर, ताकि किसान का शोषण कोई निजी बड़ी कंपनी ना करे, मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि आप किसान के साथ बातचीत करें। और 3 तारीख तक की बातचीत, बहुत लंबा समय आपने दिया, तुरंत बातचीत करें और हल निकालें और तुरंत समाधान कानूनन प्रावधान का दें। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर लोकतंत्र को तार तार करते हुए इस शांति प्रिय आंदोलन को कुचलने और किसान की आवाज को कुचलने के प्रयास कर अपना किसान विरोधी चेहरे को बेनकाब करने का काम किया है। हरियाणा को छावनी में बदलकर हर नाके, बॉर्डर, टोल पर बेइंतहा फोर्स डिप्लॉयमेंट, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिनके आंखों में, जिन किसानों के आंखों में पहले ही आंसू हैं, वो आंसू गैस के गोलों से नहीं डरने वाले। कहीं स्टेडियमों को जेल का रूप देने की बातें आई किसान को रोकने के लिए, कोई जेल इस देश में ऐसी नहीं बनी जो किसान को कैद कर सके, किसान को रोकने का काम कर सके। मैं आगाह करना चाहता हूं हरियाणा सरकार को, आपको बड़ौदा चुनाव के हार से सबक लेते हुए उसी समय किसान के हक में आके खड़ा होना चाहिए था, मगर आपने कुर्सी चुनी, आपने ये बताया कि आपको कुर्सी प्यारी है, किसान नहीं, और आने वाले समय में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं अपील करता हूं एक बार फिर सरकार से कि सब बातचीत के माध्यम से इस समस्या का समाधान तुरंत दे। खाने को चटकारेदार बनाना हो तो आज ही ले आइए CVH का पुदीना चटनी मसाला। नेचुरल पुदीने से बना, ले चले आपको नेचर के अलग बेहतरीन पुदीने के जायके की ओर। अब खाना चटखारे से खाइए CVH मसाले का पुदीना चटनी मसाला। CVH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी।